कोटा नई दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ सीधा संपर्क है। कोटा रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ लाइन पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाना है जो आधुनिक होने के बावजूद परंपराओं बटा विरासत से जुड़ा हो, एक ऐसा परिसर जो नए भारत का योग्य प्रतिनिधि है और जो कोटा राजस्थान को एक नई प्रतिष्ठित पहचान प्रदान करता है। स्टेशन यात्रियों, कर्मचारियों, आगंतुकों और जनता के लिए सुरक्षित, सुलभ, उपयोग में आसान और समावेशी परिसर होगा। फ्रंट स्टेशन बिल्डिंग के विस्तार की योजना बनाई गई है ताकि आने और जाने वाले यात्रियों को पूरी तरह से अलग किया जा सके। स्टेशन यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं, ट्रेन संचालन और रखरखाव, नए समुदाय और जनता के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगा और आधुनिक कार्यालय स्थान, उच्च गुणवत्ता वाले आवास और रेलवे कर्मचारियों के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। परिवहन के विभिन्न साधनों को समायोजित करते हुए ड्रॉप के लिए पर्याप्त स्थान के साथ विस्तृत पैदल यात्री प्लाजा के साथ दो नए आगमन हॉल और एक प्रस्थान हॉल के विकास का प्रस्ताव किया गया है। डिजाइन राजस्थान के पारंपरिक भित्ति चित्रों और वास्तुकला विशेषताओं से प्रेरणा लेता है जो इमारत के अग्रभाग पर बाहर परिलक्षित हो रहे हैं। विरासत और आधुनिकता का मिश्रण, प्रस्थान हॉल का प्रस्तावित दृश्य वास्तव में एक नए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। स्टेशन डिजाइन यात्रियों के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए पर्याप्त परिसंचरण तत्व प्रदान करेगा। स्टेशन का परिसंचरण यात्रियों की आवाजाही के आधार पर डिजाइन किया गया है। आगमन और प्रस्थान यात्रियों के आवागमन का अलग अलग प्रवाह होगा। ये शहर के केंद्र में नया शहरी स्थान होगा। फ्रंट और रियर स्टेशन बिल्डिंग के बीच आसान सर्कुलेशन के लिए रूफ प्लाजा दिया गया है। 236 मीटर चौड़ा कॉन्कोर्स है और पुल, लिफ्ट, सीढ़ियों और एस्केलेटर के माध्यम से सभी प्लेटफार्मों से जुड़ा हुआ है। यात्री रूफ प्लाजा एरिया में इंतजार करेंगे और ट्रेन में चढ़ने के लिए ही प्लेटफार्म पर आएंगे और इसी तरह ट्रेन से बाहर निकलने के बाद अराइवल प्लाजा से बाहर निकलेंगे। इससे स्टेशन परिसर में भीड़ भाड़ नहीं होगी। कोटा जंक्शन पर नया रूफ प्लाजा न केवल इंजीनियरिंग और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि यात्रियों को अगले साल से तत्काल सुधार प्रदान करेगा। दूसरी एंट्री बिल्डिंग गांधी कॉलोनी, सोगरिया, पुरोहित नगर जैसे शहर के पूर्व की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी। दूसरे प्रवेश द्वार पर दो मंजिला इमारत है और इसमें टिकट काउंटर, सार्वजनिक सुविधाएं, लिफ्ट रैंप, कार पार्किंग और अन्य सुविधाएं होंगी। पश्चिम की ओर कार पार्किंग क्षमता 200 कार और 300 दोपहिया वाहन और पूर्व की ओर जहां कम कार पार्किंग थी वहां 120 कारें खड़ी की जा सकेंगी। इसके अलावा 150 ऑटो रिक्शा और 100 से अधिक दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं।